Hello everyone, today we are going to discuss some important image based questions. Let's start question number 13. Identify the instrument so below. ये जो instrument आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे इसको identify करना है. आपके पास में ऑप्शन ए है रूबिन इन सप्लेशन कैनुला, ऑप्शन बी यूटेराइन साउंड, ऑप्शन सी सक्शन कैनुला एंड ऑप्शन डी म्यूकस सकर. यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, रूबिन इन सप्लेशन कैनुला. जो आपको स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है ये क्या है, रूबिन इन सप्लेशन कैनुला. इसके रिगार्डिंग ये जो कैनुला है ये मोस्टली कब यूज में रहते हैं, यूज फॉर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी. मोस्टली किस में यूज में लेते हैं, ये यूज्ड फॉर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी. आल्सो इस कैनुला के थ्रू क्या इंजेक्ट करते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं. लेप्रोस्कोपी में जो डाई इंजेक्ट करते हैं वो कौन सी डाई इंजेक्ट करते हैं, मेथिलीन ब्लू डाई इंजेक्ट करते हैं इस कैनुला के थ्रू. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये पूछता है, लेप्रोस्कोपी जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें डाई मोस्टली कौन सी यूज में लेते हैं, मेथिलीन ब्लू. सेकंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूबिन इन सप्लेशन कैनुला आर यूज फॉर ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फॉर इनफर्टिलिटी के लिए, एचएसजी है उसके लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कैनुला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसमें एक रबर गार्ड लगा होता है. क्या लगा होता है इसमें, रबर गार्ड लगा होता है. ये जो गार्ड है, ये जो रबर गार्ड है, ये डाई को वापस बैकवर्ड लीकेज होने से प्रिवेंट करता है. बैकवर्ड लीकेज होने से प्रिवेंट करता है. तो पहला क्वेश्चन तो यही, ये जो इमेज दिखाई दे रही है इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है. तो इमेज क्या है, ये कौन सा कैनुला, ये रूबिन इन सप्लेशन कैनुला. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेरोसाल्पिन जो ग्राबी और क्रोमोपर्ट्यूबेशन इन इन लेप्रोस्कोपी, इसमें जो कैनुला यूज में लेते हैं वो कौन सा कैनुला है, रूबिन इन सप्लेशन कैनुला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, रूबिन टेस्ट और इसी को बोलते हैं CO2 इन सप्लेशन टेस्ट. कौन सा टेस्ट, रूबिन टेस्ट और CO2 इन सप्लेशन टेस्ट. इट इज ऑल्सो यूज फॉर डायग्नोस फॉर, किसके लिए डायग्नोस के लिए परफॉर्म करते हैं, ये ट्यूबल पैटेंसी को डिटेक्ट करने के लिए जो यूजुअली जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है, रूबिन टेस्ट. तो एक क्वेश्चन तो ये, रूबिन टेस्ट और CO2 इन सप्लेशन टेस्ट, जो फेलोपियन ट्यूब है वो पैटेंट है या नहीं है उसके लिए जो डायग्नोसिस टेस्ट, जो टेस्ट मोस्टली यूज में लेते हैं वो कौन सा है, रूबिन टेस्ट या CO2 इन सप्लेशन टेस्ट. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो कैनुला आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा कैनुला है, रूबिन इन सप्लेशन टेस्ट. कौन सा कैनुला ये, रूबिन इन सप्लेशन कैनुला. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रबर गार्ड आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस रबर गार्ड का इस कैनुला में क्या पर्पज रहेगा, इस कैनुला के थ्रू यदि डाई इंजेक्ट कर रहे हैं उस डाई को वापस लीकेज बैकवर्ड लीकेज होने से क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट करता है. क्या करता है, ये प्रिवेंट करता. तो दैट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, रूबिन इन सप्लेशन कैनुला. नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो. आपको जो ये कप लाइट जो टिप दिखाई दे रहा है, ये जो कप लाइट, ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना. आपके पास में ऑप्शन ए है ओवम होल्डिंग फोर्सेस, सेकंड वन ऑप्शन
आर्टरी फोर्सेस, थर्ड वन ऑप्शन है वेपो फोर्सेस एंड डी ऑप्शन है कॉकर फोर्सेस। तो ऑप्शन बी और डी ये तो क्या बिल्कुल ही रॉन्ग है, आर्टरी फोर्सेस भी रॉन्ग है और कॉकर फोर्सेस। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, ओवम होल्डिंग फोर्सेस। याद रखना इसको पहचानने के लिए, ओवम होल्डिंग फोर्सेस का जो टिप होता है वो लाइक द कैसा होता है, कफ लाइक, स्पून लाइक, कैसा होता है, कफ लाइक या स्पून लाइक। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि क्या ना हो, परफोरेशन नहीं हो, क्या फाइंडिंग नहीं हो इसकी वजह से, परफोरेशन नहीं हो। और ये जो कप लाइक और जो ये स्पून लाइक होता है, इसका मेन जो ओवम होल्डिंग फोर्सेप्स है, इसका मेन जो पर्पज रहेगा क्या रहेगा, टू होल्ड लार्ज टिश्यू, टू होल्ड लार्ज टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवम होल्डिंग फोर्सेप्स का मोस्टली यूज किसके लिए रहते हैं, यूज फॉर, मैं बात करूं, इनएविटेबल अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन और एमटीबी ऑपरेशन। जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए मोस्टली ओवम होल्डिंग फोर्सेस यूज में लेते हैं। इसका मेन जो पर्पज रहेगा वो क्या रहेगा, यूज्ड फॉर रिमूविंग द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन इन इनएविटेबल इनकम्प्लीट एंड इन एमटीबी ऑपरेशन। तो सिंपल सा आपको दो तीन चीजें याद रखना है, एक तो ये जो ओवम होल्डिंग जो फोर्सेप्स है इसका टिप कैसा रहता है, कफ लाइक या स्पून लाइक। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कफ लाइक और स्पून लाइक इसलिए होता ताकि इंजरी ना हो, परफोरेशन ना हो। नेक्स्ट वन, ओवम होल्डिंग फोर्सेस का जो मेन पर्पज है वो क्या रहेगा, रिमूविंग द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन या इनकम्प्लीट अबॉर्शन या फिर इन एमटीबी ऑपरेशन, इसमें भी इसका यूज में ले सकते हैं फॉर सर्जिकल मेथड्स। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो बिलो। आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, ऑप्शन बी ओवम फोर्सेप्स, ऑप्शन सी कॉकर फोर्सेप्स एंड ऑप्शन डी एलिस फोर्सेप्स। ऑप्शन सी और डी तो रॉन्ग है, ऑप्शन बी आल्सो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है इसका जो मेन पर्पज है वो क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होल्डिंग द, किसको होल्ड करने में यूज में लेते हैं, होल्डिंग द स्पंज और गोज पीस, गोज पीस और स्पंज को होल्ड करने के लिए जो फोर्सेप्स यूज में लेते हैं उस फोर्सेप्स को क्या बोलते हैं, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। स्पंज और गोज पीस को होल्ड किया और ऑपरेशन से पहले सर्जिकल साइट को पेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं मोस्टली वो कौन सा होता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। कौन सा होता है वो, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। तो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स का जो यूज है, यूज्ड फॉर होल्डिंग द स्पंज और गोज पीस, स्पंज और गोज पीस फॉर पेंटिंग द एरिया बिफोर ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आगे सुनने क्वेश्चन ये है, आपको जो ये इमेज पे स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। जी हाँ, ये जो इमेज है वो क्या है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इसका यूज क्या है, यूज क्या रहेगा इसका, ऑलवेज ऑलवेज ये क्या यूज में लेते हैं इसका, होल्डिंग द स्पंज और गोज पीस, गोज पीस और स्पंज को होल्ड करने के लिए, किस पर्पज के लिए, फॉर पेंटिंग द एरिया बिफोर ऑपरेशन, किस पर्पज के लिए, ऑपरेशन से पहले सर्जिकल साइट को पेंट करने के लिए, ठीक है, स्पंज और गोज पीस को जिससे होल्ड करते हैं, जिससे पेंट करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट मोस्टली कौन सा होता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, सो आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, लाइक द ना इसके टू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइटली क्या है, कर्व्ड भी है, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्या है, कर्व्ड है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टरी फोर्सेप्स नहीं है, और नहीं क्या है ये, ओवम फोर्सेप्स, और ना ही क्या है ये, टेनागुलम, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, टू वल्सेलम फोर्सेप्स, याद रखना है यहाँ पर जो वल्सेलम फोर्सेप्स है उसका मेनली जो पर्पज है, आर यूज फॉर होल्डिंग द, यूज फॉर होल्डिंग द सर्विक्स, सर्विक्स को होल्ड करने के लिए मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, वल्सेलम फोर्सेप, जो टूथ भी हो, सिंगल टूथ भी हो सकता है और मे बी मल्टी टूथ भी हो सकता है, बट यूजुअली जो यूज में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, सिंगल टूथ वल्सेलम फोर्सेप्स, कौन सा यूज में लेते हैं मोस्टली, सिंगल टूथ वल्सेलम फोर्सेप, तो ये इमेज भी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछते हैं, इसका यूज मोस्टली है ना, कॉपर्टी इंसर्शन, इसमें सर्विक्स को होल्ड करने के लिए जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, वल्सेलम फोर्सेप्स, वल्सेलम टूथ फोर्सेप्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो बिलो, आपको स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, ऑप्शन ए लैंगनबेक रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी मॉरिस रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी डिवियर रिट्रैक्टर एंड ऑप्शन डी डाइबॉल रिट्रैक्टर, तो ऑप्शन बी सी एंड डी तो क्या है, रॉन्ग, राइट आंसर है यहाँ पर लैंगनबेक रिट्रैक्टर, लैंगनबेक रिट्रैक्टर का मेन जो यूज है ओपन हुंड को रिट्रैक्ट करने के लिए, ओपन हुंड को होल्ड करने के लिए यूज में लेते हैं, तो लैंगन बेग जो रिट्रैक्टर है आर यूज्ड फॉर होल्डिंग द ओपन हुंड सच एज, जो आपने इंसिजन दिया, फॉर द प्रोसीजर ऑफ अपेंडेक्टॉमी, मोस्टली ये ओपन यूज इन पेयर्स, किस में यूज में लेते हैं, ये पेयर्स में मोस्टली इसको यूज में लेते हैं, दो असिस्टेंट है और अनदर असिस्टेंट के पास में सेपरेट लैंगन बैग होंगे, ठीक है, दैट इज द, ये जो इमेज दिखाई दे रही है वो इमेज क्या है, लैंगन बेग रिट्रैक्टर, क्या है ये इमेज, लैंगन बेग रिट्रैक्टर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स में भी पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो बिलो, आपको जो इमेज दिखाई दे रही है स्क्रीन पे उसको आइडेंटिफाई करना है, ऑप्शन ए लैंगन बेग रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी मॉरिस रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी डीवीआर एंड ऑप्शन डी है डाइबॉल रिट्रैक्टर, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, लैंगन बेग रिट्रैक्टर नहीं है, ऑप्शन सी आल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन डी आल्सो रॉन्ग, राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, मॉरिस रिट्रैक्टर, क्या रहेगा यहाँ पर, मॉरिस रिट्रैक्टर, मॉरिस रिट्रैक्टर जब मैक्सिमम एक्सपोजर करना है, जब आपने सपोज करो
लेप्रोडोमी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है और लार्ज इंसिजन लगा दिया आपने, तो लार्ज इंसिजन को एक्सपोज करने के लिए जो मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं वो कौन सा लेता है, कौन सा लेते हैं वो, मोरिस रिट्रैक्टर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोरिस रिट्रैक्टर आर यूजफुल फॉर, किसके यूजफुल रहेगा ये, गिविंग मैक्सिमम एक्सपोजर इन लार्ज, गिविंग मैक्सिमम एक्सपोजर इन लार्ज इंसिजन याद रखना है, फॉर लैपेरोटॉम। ये मॉरिस रिट्रैक्टर भी बार बार एग्जाम में पूछते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो बिलो। आपको जो इमेज पे स्क्रीन पे जो इंस्ट्रूमेंट की जो इमेज शो हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए लैंगन वेग रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी मॉरिस रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी डीवीआर रिट्रैक्टर एंड ऑप्शन डी है डाइबॉल रिट्रैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए और बी ये तो क्या है, रॉन्ग। ऑप्शन डी आल्सो रॉन्ग। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, डीवीआर रिट्रैक्टर। ये इंस्ट्रूमेंट जो डीवीआर रिट्रैक्टर है इसका जो मेन पर्पज है लीवर को होल्ड अप, जब आपने कोलेसिस्टेक्टोमी जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उस दौरान लीवर को होल्ड करने के लिए, अप करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में ले रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहेगा, डीवीआर रिट्रैक्टर। तो याद रखना है यहाँ पर डीवीआर रिट्रैक्टर आर स्पेशियली डिजाइन फॉर होल्डिंग द लीवर अप आउट ऑफ द वे ड्यूरिंग ए कोलेसिस्टेक्टोमी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब गॉल ब्लैडर को रिमूव कर रहे हैं उस दौरान लीवर को अप आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मोस्टली प्रिफर करते हैं वो कौन सा यूज में लेते हैं, डीवीआर रिट्रैक्टोमी। व्हाट इज द मींस ऑफ द कोलेसिस्टेक्टोमी, इसका मींस होता है एक्टोमी का मींस रिमूवल, इसका मींस रहेगा रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, क्या बोलेंगे उसे, कोलेसिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो बिलो। ऑप्शन ए लैंगन वेग रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी मॉरिस रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी डेवियर रिट्रैक्टर एंड ऑप्शन डी डाइबॉल रिट्रैक्टर। तो ऑप्शन ए बी सी क्या है, रॉन्ग। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, डाइबॉल रिट्रैक्टर। इसका जो मेन पर्पज है वो किसके यूज में लेते हैं, आर यूज्ड इन मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज, किसमें यूज में लेते हैं, आर यूज इन मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज, मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज टू रिट्रैक्ट डीपर पार्ट ऑफ द डीपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एक्सेट्रा। क्या पर्पज रहेगा, क्या यूज रहेगा डाइबॉल रिट्रैक्टर का, किस पर्पज के यूज में लेते हैं ये, आर यूज्ड इन मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज टू रिट्रैक्ट कौन सा पार्ट, डीपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ब्लैडर, यूट्रस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो मेजर एब्डोमिनल सर्जरीज में जो डिवाइस यूज में लेते हैं वो डिवाइस मोस्टली कौन सी होती है, डाइबॉल रिट्रैक्टर। मॉरिस भी हो सकता है, डाइबॉल भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। बट ये जो इमेज है वो क्या है, राइट क्या रहेगी, वो डाइबॉल
रिट्रैक्टर, ये अभी हाल ही में एम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन ये था, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो। आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास में, ऑप्शन ए है लैंगनबेक रिट्रैक्टर, मॉरिस रिट्रैक्टर, जॉल रिट्रैक्टर एंड डाइवाल रिट्रैक्टर, ऑप्शन डी रोंग, ऑप्शन ए आल्सो रोंग, ऑप्शन बी आल्सो रोंग। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, जॉल रिट्रैक्टर। क्या ये जॉल रिट्रैक्टर? जॉल रिट्रैक्टर याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जॉल रिट्रैक्टर है वो ऑलवेज ऑलवेज क्या रहेगा, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। क्या होता है वो, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है, और जिसका मोस्टली यूज इन थायराइड सर्जरी में लेते हैं। किसमें यूज में लेते हैं, थायराइड सर्जरी में यूज में लेते हैं। तो इट इज ए, जो जॉल रिट्रैक्टर है, इट इज ए सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। क्या होता है ये, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर यूज इन कौन सी सर्जरीज, थायराइड सर्जरीज या नेक की जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट मोस्टली यूज में लेते हैं वो कौन सा होता है, जोल रिट्रैक्टर। याद रखना है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स एग्जाम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो। आपको जो इमेज, जो स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपके पास में ऑप्शन ए है लैंगन बेग रिट्रैक्टर, ट्रेवर्स रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी है जॉल रिट्रैक्टर एंड ऑप्शन डी है गॉलिगर रिट्रैक्टर। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ट्रेवर्स रिट्रैक्टर। क्या ये ट्रेवर्स रिट्रैक्टर? इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। क्या ये आल्सो सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, जिसका मोस्टली यूज इन इंटरमीडिएट प्रोसीजर या इंटरमीडिएट टाइप के ऑपरेशन में यूज में लेते हैं। इट इज ए सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर यूज इन मोस्टली, यूज इन मोस्टली इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट टाइप ऑपरेशन, इंटरमीडिएट टाइप ऑपरेशन सच एज, याद रखना आपको, सच एज हर्नियोप्लास्टी या हर्नियोरेपी, और अदर वन आपको याद रखना है ग्रोइन नेक, ग्रोइन डिसेक्शन, ग्रोइन डिसेक्शन फॉर वेरिकोज वेन, फॉर वेरिकोज वेन। अभी फिलहाल आप इतना याद रख लो, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो इंस्ट्रूमेंट है क्या, कौन सा है वो, ट्रेवर्स रिट्रैक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है जिसका मोस्टली यूज इंटरमीडिएट टाइप की सर्जरी में, इंटरमीडिएट टाइप के ऑपरेशन में यूज में लेते हैं। कौन से ऑपरेशन में लेते हैं ये, इंटरमीडिएट ऑपरेशन सच एज हर्नियोप्लास्टी या फिर ग्रोइन डिसेक्शन फॉर वेरिकोज वेन एक्सेट्रा। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द हर्नियोप्लास्टी, प्लास्टी वर्ड जहाँ पर भी है इसका मीन्स क्या रहेगा, रिपेयरिंग। यहाँ पर इसका मीन्स क्या रहेगा, रिपेयरिंग ऑफ हर्निया, दैट इज नोन एज द क्या बोलेंगे उसे, हर्नियोप्लास्टी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके पास में ऑप्शन ए है लैंगन बेग रिट्रैक्टर, ट्रेवर्स रिट्रैक्टर, जर्नीस रिट्रैक्टर एंड गॉलिगर रिट्रैक्टर। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, जर्नीस रिट्रैक्टर। क्या ये जर्नीस रिट्रैक्टर? अभी आप इतना याद रखना है, इस जर्नीस रिट्रैक्टर के दो एंड है, कितने एंड है, जर्नी रिट्रैक्टर के ऑलवेज इसको आइडेंटिफाई करना है, इसके एंड कितने हैं, दो एंड है। एक एंड पे क्या होगी, ब्लेड होती है और दूसरे एंड पर टू फ्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं इसमें, दूसरे एंड पर टू फ्रॉन्ग्स होते हैं,
एंड पे क्या होती है, ब्लेड होती है, और दूसरे पे क्या होते हैं, टू फ्रॉन्ग्स। ये दो टू फ्रॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं, और ये क्या है, ब्लेड। इसका मेन पर्पस, इसका भी जो पर्पस है वो क्या रहेगा, टू रिट्रैक्ट द वुंडेज। जो जर्नलिस्ट रिट्रैक्टर है, इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, टू रिट्रैक्ट द वुंड एज, वुंड एज फॉर इंटरमीडिएट ऑपरेशन। किस पर्पस के लिए यूज में ले रहे हैं, फॉर इंटरमीडिएट ऑपरेशन। और आपको ज्यादा ऑप्स और गायनी के जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर पे एट। और है ना, रिगार्डिंग टू कोई भी क्यूरी लाइक द ऑब्स्टेट्रिक्स एंड ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी एंड आल्सो पीडियाट्रिक्स, आपको कोई भी क्यूरीज है इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, या फिर एनी वन टॉपिक्स, आपको पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो बिलो। आपके पास में चार ऑप्शन है, एडसन फोर्सेप्स, गिलीज फोर्सेप्स, स्पेंसर वेल फोर्सेप्स एंड डी ऑप्शन है, डी बेकी फोर्सेप्स। कौन सा है, डी बेकी फोर्सेप्स। याद रखना है यहाँ पर जो डी बेकी फोर्सेप्स और स्पेंसर वेल फोर्सेप्स, स्पेंसर वेल फोर्सेप्स और कौन सा है, डी बेकी फोर्सेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसको आइडेंटिफाई करना है, ये मोस्टली वास्कुलर इंजरी में यूज में लेते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है किसमें यूज में लेते हैं, वास्कुलर इंजरी। तो आपको याद रखना है जो डी बेकी फोर्सेप्स है, इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, यूजफुल फॉर होल्डिंग वेसल्स वॉल, यूजफुल फॉर होल्डिंग वेसल्स वॉल्स इन इन वास्कुलर इंजरी। वास्कुलर जो ब्लड वेसल्स है, इंजरी होने पर वेसल्स वॉल को होल्ड करने के लिए मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं वो कौन सा है, डी बेके फोर्सेप्स। कौन सा है, डी बेके फोर्सेप्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसमें टूथ अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा है, गिलीज फोर्सेप्स। कौन सा फोर्सेप्स है, ये गिलीज फोर्सेप्स। याद रखना है इसके ऑलवेज ऑलवेज क्या होते हैं, टीथ होते हैं। क्या होते हैं, इसके ऑलवेज ऑलवेज टीथ होते हैं, और इसका जो मेन पर्पज है, होल्डिंग द टफ टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल स्किन। क्या पर्पज है इसका, मेन पर्पज क्या रहेगा, होल्डिंग द टफ टिश्यू, होल्डिंग द टफ टिश्यू सच एज स्किन। स्किन है उसको होल्ड करने के लिए जो फोर्सेप्स मोस्टली जो यूज में लेते हैं वो कौन सी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना कौन सी है, गिलीज फोर्सेप्स। जिपमर क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द निडल सो। आपको ये जो निडल दिखाई दे रही है उस निडल को आप आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन ए एलपी निडल, बी ऑप्शन है प्लूरल बायोप्सी निडल, एंड सी ऑप्शन है मैगिनी निडल्स, एंड डी ऑप्शन है हाइपोडर्मिक निडल। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, प्लूरल बायोप्सी निडल। ये जो निडल दिखाई दे रही है इसको, ये निडल कौन सी है, प्लूरल बायोप्सी निडल। कौन सी है, प्लूरल बायोप्सी निडल।